अवार्ड प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जब हम इस उपलब्धि को शब्दों में बयां करना चाहते हैं तो हम कई बार चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि यह पल बहुत ही भावुक करने वाला होता है। पर अगर इमोशंस को शब्दों में ढाल के अगर हम कुछ पंक्ति कह दें, बयां कर दें, तो यह हमारे लिए मील का पत्थर साबित होता है। सबसे पहले आप ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, लाइक गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग या सादर नमस्कार, अतिथि को मेरा प्रणाम। और उसके बाद आप क्या बोलेंगे, लाइक अगर आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है तो आप बोलेंगे, मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए काबिल समझा। मैं समस्त स्टाफ की शुक्रगुजार हूँ जिनके सहयोग के बिना यह अवार्ड पाना नामुमकिन था, और विद्यार्थियों का जिनकी वजह से ही मेरे हाथ में यह अवार्ड है। मैं वही डेडिकेशन से अपना काम निरंतर करूँगी और यह अवार्ड पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। एट द लास्ट, थैंक यू एवरी वन फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर हेल्प, फॉर एवरीथिंग एंड फॉर दिस अचीवमेंट। अब मान लो कि अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, बट आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स, माई पेरेंट्स फॉर बूस्टिंग मी एवरी टाइम एंड इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन मी टू अचीव सक्सेस इन एवरी फील्ड। लास्टली, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कलीग्स फॉर बींग विथ मी एवरी टाइम। दिस अवार्ड मीन्स अ लॉट टू मी एस इस बूस्ट एंड एंकरेज मी एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। इस तरह से आप अवार्ड मिलने पर ऐसा बोल सकते हैं और कुछ शब्द कहकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।